विश्व कप क्रिकेट के फाइनल मैच में भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर एक अभियान चलाया गया। कहा गया कि मैच देखने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण ही भारत हार गया, इसलिए वो पनौती हैं। ये अभियान चलाने वाले कांग्रेस और उसके समर्थक हैं, जिनके लिए खेल में हार जीत भी वो अवसर होता है जब देश को नीचा दिखाया जा सके। पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे। देश के लिए ये जानना आवश्यक है कि असली पनौती कौन था। वर्ष 1982, एशियन गेम्स के हॉकी का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच, स्थान दिल्ली का नेशनल स्टेडियम। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, उनके बेटे राजीव गांधी, उपराष्ट्रपति हिदायतुल्ला और कांग्रेस सरकार के कई बड़े मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे थे। मैच शुरू होते ही भारतीय टीम ने पहला गोल किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने एक के बाद एक साथ गोल मार दिए। भारत के गोलकीपर थे मीर रंजन नेगी, वही नेगी जिनकी कहानी को तोड़ मरोड़ कर शाहरुख खान ने चक दे जैसी मजहबी प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई थी। उस मैच में भारतीय हॉकी टीम की पूरी रक्षा पंक्ति लड़खड़ा गई थी, लेकिन सारा दोष गोलकीपर मीर रंजन नेगी पर फोड़ा गया। नेगी पर पाकिस्तान से पैसे लेकर जानबूझकर मैच हरवाने का आरोप लगाया गया। उनका करियर चौपट हो गया। एक दशक से भी अधिक समय तक वो एक प्रकार से अज्ञातवास में चले गए। तो वापस लौटते हैं पनौती की बात पर। मैच के दौरान इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में दिख रही थी। इस मैच के ठीक बाद प्रकाशित इंडिया टुडे मैगजीन के दिसंबर 1982 के अंक में जो छपा था, उसे पढ़कर पता चल जाएगा कि पनौती क्या होती है और किसे पनौती कहा जाता है। रिपोर्ट के अनुसार, जब भारतीय टीम पाकिस्तान के दबाव में हारती दिख रही थी, तो ऊंचे स्तर पर भी निराशा फैल गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सचिव आर के धवन को राजीव गांधी के पास भेजा। धवन ने राजीव गांधी से गोलकीपर के बारे में कुछ करने, यानी गोलकीपर बदलने को कहा। नियमों के अनुसार ये संभव नहीं था, इसलिए गोलकीपर नहीं बदला जा सका। इंदिरा गांधी इतनी बौखला गई कि स्कोर जब 4-1 था, तभी वो स्टेडियम छोड़कर चली गईं। इस घटना की पुष्टि तत्कालीन पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों ने भी की है। यादगार लम्हा है। इंडिया से हम अगेंस्ट खेले इंडिया में, न्यू दिल्ली में, 1982 एशियन गेम्स फाइनल था हमारा, और उसमें उनकी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साहिबा भी आई हुई थी, और उनके होते हुए हमने ये मैच 7-1 से जीता। और जब वो 5 गोल हमने हो गए तो मैडम चली गई इंदिरा गांधी, तो ये भी उनके लिए। वर्ष 1982 की उस करारी हार के पूरे 16 वर्ष बाद भारतीय हॉकी टीम ने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता। उस टीम के कोच मीर रंजन नेगी थे। इसके भी 2 दशक बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर उस हार का बदला पूरा किया। अर्थात तब इंदिरा गांधी ने मैदान में जो किया था, उससे पूरी टीम का मनोबल टूट गया। खिलाड़ियों का करियर चौपट हो गया और उस दबाव से उबरने में टीम को 3 दशक से अधिक का समय लगा। अब इसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करें, जिन्होंने खेल भावना के साथ पूरा मैच देखा, विजयी टीम के कप्तान को कप दिया और अंत में ड्रेसिंग रूम में जाकर भारतीय क्रिकेट टीम के हताश खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। खिलाड़ी हों, वैज्ञानिक हों या युद्ध लड़ने वाली सेनाएं, कोई भी टीम तभी जीतती है जब उसे विश्वास होता है कि उसके पीछे पूरा देश मजबूती के साथ खड़ा है। मोदी ने इसी भावना को प्रकट किया। कांग्रेस को यदि इतनी सी बात समझ आ गई होती, तो उसकी आज ये दुर्गति नहीं होती।
इस वीडियो को देखकर कुछ लोग इसे फेक न्यूज या झूठ बताने का प्रयास करेंगे। उनके लिए हमने सारे संदर्भों के लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वो इन्हें चेक कर सकते हैं। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।